हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपको अपने चैनल नंबर वन फैक्ट पर। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के जिस राज्य के सफर पर ले जा रहे हैं, भारत के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी और बर्मा के बीच की खूबसूरत पहाड़ों में बसा एक छोटा सा राज्य, जिसकी परंपराएं और प्रदा देश के दूसरे राज्यों से काफी अलग है। नागालैंड के उत्तर पूर्व में अरुणाचल, पश्चिम में असम, दक्षिण में मणिपुर और पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागालैंड की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और चलते हैं नागालैंड की एक शानदार सफर पर। नागालैंड की प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नागालैंड की जनसंख्या दूसरे अन्य राज्यों के मुकाबले ना के बराबर है, जिसमें आधिकारिक तौर पर 19 लाख के आसपास लोग यहां निवास करते हैं। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच घटी थी। नागालैंड सांस्कृतिक विरासत वाला एक ऐसा राज्य है जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है और कम से कम 20% हिस्सा घने जंगलों और हरियालियों से भरा हुआ है, जिस कारण यह बाहर से आने वाले टूरिस्टों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ की लगभग 80% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। नागालैंड का पहनावा भी बहुत अलग है। यहाँ के निवासी रंग बिरंगे चादर को कपड़े की तरह पहनना पसंद करते हैं और पैरों में कड़ा पहनने के लिए उपयोग करते हैं। नागालैंड के लोग कुत्ते समेत ऐसे कई जानवर के मांस का सेवन अपने भोजन के रूप में करते हैं, जिनको अन्य दूसरे राज्यों के लोग मांसाहार के रूप में सेवन करना पसंद तक नहीं करते हैं। नागालैंड के लोग शिक्षा के क्षेत्र में भारत के कई दूसरे राज्यों से आगे है। यहाँ की लगभग 85% से ज्यादा जनसंख्या शिक्षित और पढ़े लिखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।